हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राखीज रसोई। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रोकोली सलाद। ये सलाद एक कंप्लीट मील है, इसे आप लंच या डिनर में रिप्लेस कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ब्रोकोली सलाद। पहले हम वेजिटेबल्स को स्टीम कुक करेंगे। एक पैन को गैस पर रख दिए और उसमें थोड़ा पानी बॉईल करने रख दिए। उसके ऊपर चटनी रखेंगे और सारे वेजिटेबल्स को स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कप ब्रोकोली, हाफ कप गाजर और हाफ कप कॉर्न को बॉईल करने रख रही हूँ। लिड लगा दें और सिर्फ 4 से 5 मिनट इसे स्टीम कुक होने दें। 4 से 5 मिनट में काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कलरफुल दिख रहे हैं। अब गैस बंद कर देगी और इस सारे वेजिटेबल्स को एक बाउल में ट्रांसफर कर देगी और इसे ठंडा होने देगी। तब तक हम बहुत टेस्टी ड्रेसिंग तैयार करेगी। उसके लिए एक ग्राइंडिंग जार ले और इसमें हम 8 से 10 बादाम डालेंगे। ये बादाम को मैंने 2 से 3 घंटे पानी में भिगो कर रखा है और उसके बाद उसका छिलका निकाल दे। स्पाइसीनेस के हिसाब से मिर्ची डालें, हाफ कप पुदीना, 1 कप कोथमीर, 2 टीस्पून जितना नींबू का रस, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और लास्ट में 1 टीस्पून जितना पानी डाल के इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद बहुत ही टेस्टी आलमंड का ड्रेसिंग तैयार हो चुका है। अब ये ड्रेसिंग बॉईल की हुई वेजिटेबल्स में डाल दें। यहाँ पर मन चाहे आप रॉ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ कैबेज ऐड कर रही हूँ। आप चाहे यहाँ पर काकड़ी, बीटरूट, टमाटर, कैप्सिकम ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये हुआ बहुत ही टेस्टी कलरफुल ब्रोकोली सलाद। ये सलाद को आप लंच या डिनर में रिप्लेस करके कंज्यूम कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी सलाद तैयार हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अच्छी लगी हो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माई रेसिपीज़।